तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है ड्रॉपिंग पर के एक और न्यू एपिसोड में। तो भाई मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी बिजी था, मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ मैं लगभग सोच सकते हो 2 हफ्तों में मैंने 3-4 स्टेट ट्रैवल कर लिया। मतलब मैंने मेघालय गया अपना होम स्टेट, फिर झारखंड आया, झारखंड से भी दिल्ली गया, दिल्ली से बिहार आया, फिर वापस झारखंड आया। मतलब ड्यूटी के लिए यार मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा, नहीं इसी चक्कर में मैंने वीडियो बना नहीं पाया था। ओके तो बेसिकली आज मौका मिला था एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मैं फिर यहाँ से कहीं और जा रहा हूँ, मतलब दूसरे सिटी में जा रहा हूँ। सो भाई वहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले बिल्डअप बेस के बारे में कि अपडेट कब आने वाली बिल्डअप बेस के, कि भाई बिल्डअप बेस की अपडेट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। लास्ट टाइम कब आया था? आया था जून 2019 में, और अब कब चल रहा है भाई, जून से ऊपर हो चुका है, लगभग 19 हो गया, 20, 21, 22, लगभग 3 साल हो चुका है, या फिर बोलो 3 ईयर प्लस हो चुका है। तो भाई 3 साल तक कोई अपडेट नहीं दिया बिल्डअप बेस में, बिल्डअप बेस का एक्चुअली सीन क्या है, तो भाई वो सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाला बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके भाई उतना शेयर कर देना। यहाँ पर थोड़ी नॉइस आ रही है गाड़ियों की, और प्लस हवा चल रही हो कि मेरे आसपास काफ़ी पौधे हैं। सो भाई बिल हॉल 10 के बारे में क्लियरली समझाता हूँ मैं तुम्हें कि एक्चुअली सीन क्या चल रहा है बिल्डर के बारे में। ये डेरेन रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि भाई बिल्डर बेस के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है, बट उन्होंने कहा कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी है अभी, मतलब रिसेंटली उसकी अलग आइडेंटिटी है, समझे, उसका एक रोल दिया गया है, वो रोल रहने वाला है, उसका रोल चेंज नहीं करने वाला। बट इसमें बात ये आता है कि भाई अपडेट कब देगा, रोल तो समझ में आया ना, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे हम प्लेयर वर्सेस प्लेयर खेलते हैं ना बिल्डर बेस में, वैसे हम नॉर्मल बेस में नहीं खेलते, जो हमारा होम बेस है वहाँ पर भाई बंदा ऑफलाइन भी हम अटैक कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऑनलाइन है तभी कर पाएगा। चाइना में ना भाई इसी में एक मतलब प्रॉब्लम हो रही है बिल्डर बेस पे, जहाँ पर काफ़ी लोग चीटिंग करके बिल्डर बेस के टॉप रैंक पे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। आई नो मैं थोड़ा डिबेट हो रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक अपडेट के बारे में, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एकदम जैसे तुम्हें बता रहा था ना, तब मैंने एक न्यूज़ के एनकाउंटर किया था उसकी रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो चाइना में ऐसा चल रहा है, उनका सर्वर अलग है, हाँ, तो उनके जो लोग हैं ना वो काफ़ी लिमिटेड है जो खेलते हैं, और रात के समय में सभी लोग ऑनलाइन नहीं रहते हैं, कोई मतलब कोई काम कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, सबका अलग टाइम है। तो उस पर कुछ लोग ऐसे करते हैं, अपने दोस्त के अकाउंट को बोलते हैं कि तू मतलब मैच फाइंड कर बिल्डर बेस में, अब वो भी मैच फाइंड करता है, मतलब वो लगभग 10-20 दोस्त को बोलते हैं, या फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसमें वो अटैक करते हैं, समझ रहे, वो अटैक करते हैं ठीक से, और उस बेस को टोटल उड़ा देते हैं, ना भी उड़ाए तो वो बंदा अटैक नहीं करता है, उससे उस बंदे को यार बेस अप मिलता है, फिर वो बंदा अपने दोस्त को पेमेंट करता है, जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, समझ रहे हैं। ये रात को काफ़ी कम लोग ऑनलाइन होते हैं, जल्दी मैच नहीं मिलती है चाइना में, ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो काफ़ी लोग पैसे खिला के भाई अपने जो हारना चाहते वो पैसे लेते हैं, जो जीतना चाहते वो पैसे देते हैं, और बस टॉप में आ रहा है। तो भाई ये सॉल्यूशन चल रहा है। अगर अपडेट के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये वाले बिल्डर हॉल 10 देखना, और ये आई मीन 9 देखना, और 10 है। तो भाई इसमें काफ़ी चेंजेस की गई है, ऑफिशियल नहीं है, कंसेप्ट बनाया गया था, जहाँ पर तुम्हें 3 जो सेटिंग्स के जो बटन होती है ना वो दिख रही होगी स्क्रू टाइप में, यहाँ पर एक एडिशनल है, प्लस टॉप में 2 दी गई है स्क्रू के बटन, पर ये डिफेंस वाला होने वाला है। जैसे हमारा टाउन हॉल 14 या फिर बोलो टाउन हॉल 12 से डिफेंस आ चुका था ना, जहाँ पर टाउन हॉल भी फाइट बैक करती है, तो सेम यहाँ पर भी सेम सीन है, जहाँ पर हमारी बिल्डर हॉल फाइट करेगी। उसके बाद इसकी 3 वेरिएंट है, एक ये है जो 8 टाइप की है, बट मुझे थोड़ी अच्छी लगी, लाइक ब्लू कलर की है, क्योंकि हमने गोल्डन कलर देख देख के यार काफ़ी बोर हो चुके हैं, काफ़ी स्टार्टिंग से गोल्डन कलर की थीम में आ रही है, बट ये ब्लू कलर में जहाँ पर 4 टाइप की आपको स्विचेस दिख रही है, ये स्विच नहीं है भाई, अलग चीज़ की है, मॉडर्न मत समझना। अब बाकी यहाँ पर सेम है, बस कलर चेंजेस की गई है, अगर वो लोग कलर भी चेंज कर देना तो काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर ये वाली देखना, जो लीक हुई थी लगभग 2020 के दिसंबर में एक लीक हो गई थी ये इमेज, और ये इमेज भाई नॉर्मल इमेज नहीं है, ये सुपरसेल ने एडवर्टाइज किया था किसी कंट्री में, ओके ये एडवर्टाइज वाली इमेज है, और जहाँ पर सुपरसेल ने फिर एडमिट किया कि ये उन्होंने नहीं किया, बट आई गेस गाइस कि उन्होंने क्रिएट किया होगा, बाद में उन्होंने प्लान किया कि इसको लॉन्च नहीं करते, जैसे सुपरसेल काफ़ी चीज़ों को यार नर्फ कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, जो उनको पसंद नहीं आता ना भाई वो हटा देते हैं, तो वो ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगा वो हटा दिया, बट उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था इस चीज़ के बारे में। उसके बीच में अगर देखोगे ना तुम, तो तुम्हें एक ये क्या बोलते हैं, ये दिखिएगा बेबी ड्रैगन, देख रहे हो जो अटैक कर रही है, तो भाई ये सच में रियलिटी है, बट उन्होंने हटा दिया गेम्स, उन्होंने रिलीज ही नहीं किया, एंड अभी फ्यूचर में कब रिलीज करिए कुछ पता नहीं है, क्योंकि बिल्ड हॉल 15 तक तो भूल जाओ, आई मीन टाउन हॉल 15 तक, तो टाउन हॉल 15 आपका अक्टूबर नवंबर में आने वाला है, उसके बाद में भी अगले साल ये कुछ प्लान कर सकते हैं बिल्ड टाउन हॉल 15 के बाद। ओके जब ये बिल्डर हॉल, ये जो अक्टूबर अपडेट दिख रहा है, ये मैंने वीडियो बनाई थी अक्टूबर में, मतलब पिछले साल, आई थिंक ये वीडियो मेरे लिस्ट में है कि नहीं मैंने चेक नहीं किया, ओके शायद हो भी सकता है, मैंने नोटिस नहीं किया। उसके बाद
यहाँ पे ट्रूप्स देखना, मतलब उसी ट्रूप्स की फॉर्मेट में देख के यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रो ड्रैगन बेबी बनाया, मतलब इलेक्ट्रो बेबी बोल सकते हो, ईडी बेबी क्या बोले यार, इलेक्ट्रो बेबी, या आई थिंक ये ट्रूप ना क्लैश रॉयल में है, तो ये देख सकते हो, ये भी एक एडिटिंग है, मैं ये 100% कन्फर्म कहूँगा, और क्योंकि यहाँ शैडो बनाया गया है, रिक्रिएट किया गया है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब हाँ यार बिल्डर बेस में यार इलेक्ट्रो ड्रैगन आ रही तो मतलब मज़े की बात है। उसके बाद यहाँ पर इन्फर्नो ड्रैगन की भी बात है भाई, ये देख ये इन्फर्नो ड्रैगन है जो हमारा सुपर ट्रूप है ना इन्फर्नो का, सेम यहाँ पर उन्होंने बीबी में डाला है, जो काफ़ी कूल लग रही है। उसके बाद एक न्यू मतलब उन्होंने डिज़ाइन रिक्रिएट करके किया था एक लड़के ने, ऐसा कंसेप्ट जब इन्हें मोटर को रिक्रिएट किया गया, मतलब जो मोटर 9 की है ना भाई, उसकी जो स्क्रू है और बॉटम है वो थोड़ी ग्रे कलर में है और जो सिल्वर की है, बट इसमें टोटल जो ऐसा बिड हल 10 ना उसको अपग्रेड करके उन्होंने टोटल गोल्ड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक बिल्ड हॉल में अगर आ गई तो मज़े आ जाएंगे, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो बिल्ड हॉल में आने वाली है, वो क्या कहते हैं मैं मतलब धीरे धीरे करके बताऊंगा स्लोली करके। अब प्लस जैसे हमने बात किया टाउन हॉल 15 के बारे में, तो भाई टाउन हॉल 15 भाई आने वाला है अक्टूबर में, उससे पहले सेप्टेम्बर के बीच में आपको एक छोटा सा अपडेट दिखने मिलेगा जिसमें क्लैन पर्सनलाइजेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जो क्लैन कैपिटल नया है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है उसको चेंजेस करेंगे लोग। अब प्लस जो हमारा होम बिलीज से बैलेंस चेंजेस कुछ आने वाला है, प्लस एक दो सुपर ट्रूप आ सकती है, तो भाई जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बता दूंगा। एक काम करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।